करनाल के नीलोखेड़ी में रहने वाले 34 वर्षीय बलजीत की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में लाया गया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक बलजीत नीलोखेड़ी का रहने वाला है और वह बाइक पर अपने पिता के साथ अंजनथली रोड से होता हुआ तरावड़ी की ओर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक कैंटर को चेस करते हुए संतुलन खराब होने से वह कैंटर के पहिए के नीचे आ गया और उसका पहिया इसके सिर से गुजर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि बलजीत ड्राइविंग का कार्य करता था। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, जबकि कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, जिसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इस सड़क हादसे से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। नीलोखेड़ी का रहने वाला है, वहाँ स्टेशन एरिया इलाके का है और अपने पापा के साथ तरावड़ी किसी जरूरी सामान वगैरह को लेने के लिए चले थे, तो रस्ते में एक कैंटर था जिसको ओवरटेक कर रहा था। ये ओवरटेक करते उस समय कैंटर का जो चालक था उसकी लापरवाही के कारण उसने उसको ओवरटेक करने के बाद उसकी साइड दाब दी, जिसके कारण इसकी टक्कर लग गई और उसके कैंटर के टायर के नीचे आ गया, जिसके कारण इसके सिर से पहिया गुजर गया और मौके पर इसकी मौत हो गई। जैसे ही SHO साहब को इन्फॉर्मेशन गई, SHO साहब ने मेरे को बताया, तो मैं तुरंत मौके पर जाके और मौके पर जैसे इसका फादर पीछे पीछे साथ में था और इसका चाचा भी था पड़ोस से, तो इसके पिताजी ने हमारे को दरख्वास्त पेश की थी, तो दरख्वास्त पर तुरंत हमने FIR दर्ज करके और पोस्टमार्टम के लिए अभी मोर्चरी रूम में आए हुए हैं और पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए इनके वारसान को दे दी जाएगी। क्या नाम है इसका? बलजीत सनोब कुलदीप सिंह, नीलोखेड़ू से, उम्र करीब इसकी 34 वर्ष है। और से जाते? ये नीलोखेड़ी से अंजथली रोड से होता हुआ तरावड़ी की तरफ जा रहा था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये बादशाही पुड़िया के नजदीक हुआ है। ट्रक पकड़ लिया गया? ट्रक वाले को? ट्रक वाला मौके से फरार हो गया था एक्सीडेंट के बाद। वो वहीं पे उसने एक इंसानियत का परिचय तो नहीं दिया, हालांकि उसको संभालना चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं, परंतु वो मौके से फरार हो गया है अपने कंट्रोल को लेके, जिसको जल्दी से जल्दी तलाश करके, क्योंकि हमारे पास गाड़ी का नंबर आ चुका है और गाड़ी के नंबर के अनुसार उसके मालिक का पता करके और ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।